आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल टिकिस किचन में और मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर भिंडी आलू करी की रेसिपी। तो और देर क्यों करें, चलिए फिर शुरू करते हैं। रुकिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो पहले हम कुछ भिंडी ले लेंगे जिन्हें हम इस तरह से काट लेंगे। आप अपने घर के हिसाब से भिंडी लें, जितना आप चाहते हैं उतना लें, और कुछ आलू हम इस तरह से काट के ले लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रख लेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल भिंडी को फ्राई करने के लिए, और फिर इसमें हम भिंडी डाल देंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। मिला लेंगे इन्हें हम अच्छे से और ढक लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब हम फिर से ढक लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और ढक्कन निकाल कर इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। भिंडी को 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाते रहें मीडियम फ्लेम में, जब तक ये पक ना जाए। तो अब हमारे भिंडी पक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे और डालेंगे इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, जो हमने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। अब उसके बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अब इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे हम बीच बीच में मसाले को पकाने के लिए। एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को पकाएं। ढक लेंगे हम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल कर फिर से हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले से तेल रिलीज होने तक मसाले को अच्छे से पकाएं। मसाले के स्मेल से ही आपको पता लग जाएगा कि मसाला पक चुका है कि नहीं। और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए आलू। इन्हें हम मिला लेंगे अच्छे से और फिर ढक कर रख लेंगे इन्हें 5 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारा पक ना जाए। ढक्कन निकाल कर हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालने वाला वीडियो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। देखिए आलू हमारे पक चुके हैं, अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और हम इन्हें ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा भिंडी और आलू अच्छे से पक जाएं। और ये लीजिए, हमारा भिंडी आलू करी रेडी है। इसे आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे आपको टेस्ट जाने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।